हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और माइक्रोवेव की रेसिपी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चारकोल भिंडी की रेसिपी, जो कि हमने माइक्रोवेव में बनाया है और ये एलजी के माइक्रोवेव में बनता है, क्योंकि एलजी के माइक्रोवेव में ही चारकोल रेसिपी सेव हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये ली है मैंने 300 ग्राम करीब भिंडी, और आपको हमेशा जो भिंडी लेनी है वो तौल के ही लेनी है कि कितने ग्राम हैं। और उसके बाद हम लेते हैं कांच का बोल। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना ऑयल, 2 चम्मच करीब मैंने इसमें तेल डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें राई ऐड करेंगे, तो ये मैंने राई डाल दी है 1/2 चम्मच करीब। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मेथी दाने, अगर आप चाहें तो हींग भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ मेथी दाना ऐड किया है। बस 3-4 दाने करीब आपको मेथी दाना इसमें डालना है। अब इसमें ऐड करते हैं हम प्याज। तो ये जो मैंने प्याज ली है 3-4 मीडियम साइज की प्याज ली है, उसे मैंने बारीक काटा हुआ था। अब मैंने लिया है अदरक लहसुन, तो 1 चम्मच करीब अदरक लहसुन है जिसे मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर जिसे मैंने बारीक काटा हुआ है। अब हम इसमें अच्छे से कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि हमारे हल्दी पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। 2 चम्मच करीब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच करीब मिर्च का पाउडर। आप ज़्यादा मिर्च पसंद करते हो तो ज़्यादा डालिए मिर्च। और उसके बाद हम इन सारे मसालों को अपने प्याज में इस तरह से मिला देंगे। ये हमारे प्रकार से मसाला तैयार हो जाता है। अब हमें सिर्फ इसमें नमक ऐड करना है, उसके बाद हम इसे माइक्रोवेव में रख देंगे कुक होने के लिए। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप पर डिपेंड करता है आप कितना खाते हैं। अब मैंने नमक ऐड कर दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से मिला देती हूँ। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसे रखेंगे माइक्रोवेव में। और देख लीजिए, अभी ऑटो मेन्यू कुक है तो ये चारकोल लिखा हुआ है, तो मैं चारकोल की बटन को ऑन करती हूँ। अब ये 5 नंबर पे सेट है चारकोल भिंडी, तो मैंने 5 नंबर सेट कर दिया और स्टार्ट की बटन को ऑन कर दिया है। अब ये हमसे वेट मांगता है, तो हमारी 300 ग्राम भिंडी है तो मैंने 0.3 सेट कर दिया है। अब हम इसमें रखेंगे अपने प्याज वाले मसाले को कुक होने के लिए। तो ये देखिए मैंने रख दिया है। अब मैं करती हूँ डोर बंद और स्टार्ट की बटन को हम ऑन कर देंगे। ये देखिए अब हमारा जो मसाला है वो तैयार हो रहा है। जैसे ही हमारा मसाला तैयार हो जाता है, एक बीप का साउंड आता है। बीप के साउंड आने के बाद हमें अपने मसाले को बाहर निकालना रहता है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो अभी देखते हैं हमारा मसाला तैयार हो रहा है। जब तक मसाला तैयार होता है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी न्यू न्यू रेसिपी आपको जल्दी जल्दी से पता चलती रहे। तो देखिए बस अब हम अपने माइक्रोवेव को स्टॉप करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। बीप का साउंड बहुत धीमा आता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा उसको। अब हमारा जो मसाला है आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है। अब हम एक हाई रैक लेंगे, ये देखिए माइक्रोवेव के साथ ही आते हैं ये हाई रैक, और इसमें रखेंगे हम ये बेकिंग ट्रे, इसे आप बच्चा ट्रे भी कह सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी जो भिंडी है वो भिंडी डालेंगे इसमें इस तरह से। उसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया है वो मसाले को हम इस भिंडी में मिला देंगे। पूरा मसाला नहीं मिलाना है आपको, आधा मसाला डालना है और थोड़ा सा मसाला लास्ट के लिए बचा के रखना है। आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब इसमें हम डालेंगे 1-1.5 चम्मच करीब ऑयल और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए अब मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम आपको वैसे ही फॉलो करना है, क्योंकि ऑटो मेन्यू वाली रेसिपी है, जैसा उसमें लिखा रहता है बुक में वैसे ही हमको बनानी पड़ती है भिंडी। तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ मूंगफली। ये कुछ मूंगफली थी जिसे कि मैंने रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया था मिक्सी में डाल के, तो वो मैं डालती हूँ। इससे जो हमारी भिंडी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो अब मैं थोड़ा से अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी, जिससे कि जो हम मसाले हैं वो भिंडी में अच्छी तरह से लग जाएं।
अब मैं थोड़ा सा लेकिन पहले नमक डाल लेती हूँ, उसके बाद अपने हाथों का इस्तेमाल करके सारे मसाले को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि हाथ से मिलाने पर ही जो मसाला है वो भिंडी में अच्छी तरह से लगता है, क्योंकि सारी भिंडियों में मसाला अच्छी तरह से लगना चाहिए, तभी जो हमारी भिंडी है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिला रही हूँ, आपको भी ऐसे ही मिलाना है अच्छी तरह से। अब ये देखिए हमारा जो मसाला है सारी भिंडियों में अच्छी तरह से लग चुका है। तो अब मैं अपने थोड़ा हाथ साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद अब इस भिंडी को हम रखेंगे माइक्रोवेव में। तो ये देखिए अब मैं रखती हूँ इसे माइक्रोवेव में। तो सबसे पहले अपने रखा रैक, उसके बाद रखते हैं अपने ट्रे, और अब हम डोर बंद करके स्टार्ट के बटन को ऑन कर देंगे। ये देखिए टाइम खुद से सेट रहता है इसमें, क्योंकि ऑटो मेन्यू है, इसमें टाइम वगैरह सब सेट रहता है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, जैसे ही हमारी जो भिंडी है कुक हो जाएगी बीप का एक खुद ही साउंड देगा, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा कि बीप का साउंड कब आता है। जब 5 मिनट्स बच जाते हैं तब बीप का साउंड आता है। तो अब जब तक हमारी भिंडी पक रही है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टाइम किस तरह से बढ़ रहा है, आपको बीप का साउंड सुनाई देगा, बहुत धीमे से साउंड आता है उसका, 2 बीप का साउंड आते हैं उसको आपको सुनना है। और जैसे ही बीप का साउंड आता है हमारे जो भिंडी का ट्रे है, मतलब जो रखा हुआ है माइक्रोवेव में हमारी भिंडी, उनको हमें निकालना पड़ता है। 5 मिनट्स करीब जब लेफ्ट होते हैं बच जाते हैं तब बीप का साउंड आता है। तो बस हमारा जो टाइम है वो होने ही वाला है, ये देखिए आ गया साउंड। तो अब हम अपने स्टॉप की बटन को दबाएंगे और अपनी भिंडी को निकालेंगे। अब मैं दिखाती हूँ वो कितनी कुक हुई हैं, आपको पास से इस तरह से दिखा सकती है। देखिए हमारी जो भिंडी हैं वो कुक हो चुकी हैं, लेकिन अभी हमें 5 मिनट्स और कुक करना है। तो अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे, जो हमने मसाला बचा के रखा था ना वो मसाला ऐड करेंगे। इस तरह से ही आपको 2 बार मसाला ऐड करना है, एक बार पहले कुक करते समय और एक बार सबसे लास्ट में। तो ये मैंने जो जितना भी मसाला था वो सारा इसमें डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिला दूंगी इस तरह से। और ये जो भिंडी चारकोल भिंडी है बहुत टेस्टी बनती है, इसमें एक चारकोल का खुशबू आती है। और ये मैं डाल लेती हूँ अब लास्ट इसमें थोड़ी सी मूंगफली के जो पीसी हुई मूंगफली थी इसे भी मैंने बचा लिया था, और लास्ट में इसमें थोड़ा सा डालूंगी कोकोनट। ये मैंने नारियल लिया है जिसको मैंने किस लिया था। ये जो भिंडी है चारकोल भिंडी में इसमें बहुत ही अच्छा लगता है नारियल, इसलिए मैंने इसमें नारियल ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो आप करिए, लेकिन भिंडी में जो नारियल और मूंगफली डालते हैं इससे उसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। तो अभी देखिए मैंने सारे मसाले भिंडी में अच्छी तरह से मिला दिए हैं। तो बस अब हम इसे रखेंगे अपने माइक्रोवेव में, और 5 मिनट्स बचे हैं उसमें अभी। तो ये हमें 5 मिनट्स के बाद जो हमारी चारकोल भिंडी है वो तैयार हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपने माइक्रोवेव की तरफ और इसे रखेंगे अपने माइक्रोवेव में। ये देखिए रखते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। तो अब हम रखते हैं इसे माइक्रोवेव में, ये देखिए 5 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है। तो अब मैंने रख दिया है अपने ट्रे को माइक्रोवेव में और स्टार्ट की बटन को ऑन कर देंगे। तो बस 5 मिनट्स के बाद जो हमारी चारकोल भिंडी है वो तैयार हो जाती है। चारकोल भिंडी में एक प्रकार से जो कोयले की थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी खुशबू आती है, चारकोल कोयले को ही बोलते हैं, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो यदि आपके पास LG का माइक्रोवेव है चारकोल वाला, तो इस तरह से आप चारकोल भिंडी बना के ज़रूर देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगती है। और आप देख सकते हैं बस टाइम होने ही वाला है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो चारकोल भिंडी है वो किस तरह से तैयार हुई है। ये देखिए बीप का साउंड आ गया है, फूड इज़ रेडी लिखा आ रहा है, मतलब जो हमारा फूड है वो रेडी हो चुका है। टोटल हमको इसमें 15 मिनट्स करीब लगे हैं हमारी चारकोल भिंडी बनाने में। ये ऑटो मेन्यू वाले कुक है और इसमें 15 मिनट्स का टाइम सेट है। ये देखिए 15 मिनट्स में जो हमारी चारकोल भिंडी है वो बन के तैयार हो चुकी है। और मैं आपको एक उठा के भी दिखाती हूँ कि किस तरह से कुक हुई है। ये देखिए पूरी अच्छी तरह से दबने लगी है, पूरी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, कहीं से भी कच्ची नहीं है। अब बस हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा नारियल ऐड करेंगे थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए, और जो हमारी चारकोल भिंडी है वो खाने के लिए तैयार हो चुकी है। ऊपर से नारियल स्प्रिंकल कर देते हैं तो ये भिंडी और भी सुंदर लगने लगती है। ये देखिए कितनी सुंदर लगने लगी है थोड़ा सा ही नारियल ऐड करने से।
तो फ्रेंड्स हमारी जो चारकुल भिंडी है वो तैयार हो चुकी है। आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको इसी तरह से चारकोल वाली रेसिपी अगर सीखना है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, बाय।